ईमान किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है जर्दा। कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ, इजी तरीके से बताऊंगी, बहुत इजी तरीके का आसान तरीका होगा। सबसे पहले हमने पानी ले लिया पतीले में, उसको बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 इलायची, ये शामिल कर देंगे, और एक बड़ी इलायची डालेंगे, एक बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, और इसमें 3 एक बादामी फूल डाल देंगे, 3-4 अदद, ये 5 लौंग डाल देंगे, और एक बड़ी इलायची डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। लौंग इसलिए डालते हैं, लौंग से चावल टूटते नहीं है। पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें जर्दा शामिल कर देंगे, बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, चावल हमारे 1 kg हैं, 1 kg हमने चावल ले लिए हैं, जिनको हमने आधा घंटा भिगो के रखा है और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हमने इसमें डाल दिया है, इसको हम अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। चम्मच से हम इसको हिला लेंगे, करना। ये देखे, ये गल चुके हैं पूरी तरह अच्छी तरह से। अब हम इनको पानी इनका निकाल देंगे, ऑन कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 teaspoon घी का, वन एंड हाफ टी स्पून हमने इसमें घी शामिल कर दिया है। वन के जी हमारे चावल थे तो हम 1/2 kg इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 mug चीनी का डाल दिया है और 1/2 mug और डालेंगे चीनी का। इन 1/2 mug डाल दिया है चीनी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 cup दूध का, ये देखिए 1/2 cup हम इसमें दूध शामिल करेंगे। इस दूध में हम इस चीनी को हल करेंगे। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है, अब हम डालेंगे 1 teaspoon किशमिश, 1 teaspoon नारियल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जिनका पानी हमने निकाल दिया था। इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम इसको रख देंगे दम पे, 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे।
ये देखें हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। दुआओं के साथ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।